में आगा गुलाम है साहब इनकी सेहत और सलामती के लिए बेहतर सरवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह इन्होंने बहुत तफसीलन मौके की मुनासिबत से जो मजलिस है उस पे तकरीर की, अब इस बानों को मुअत्तर करें दुरूद के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्योंकि हमारा जुर्म पाकिस्तान में या कहीं भी सिर्फ ये है कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, इस वजह से हमें शहीद किया जा रहा है, हम पे जुल्म डाले जा रहे हैं। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अगर कुरान ने पाक में हमारी दुश्मनी का हुक्म होता तो तब भी लोग हम पर इतना जुल्म ना करते। अगर कुरान पाक में हमारे दुश्मनी का हुक्म होता तो तब भी लोग हम पर इतना जुल्म ना करते जितना हमारी मोहब्बत को वाजिब कर देने पर किया गया। अब निजबानों को मुअत्तर करें दुरूद के साथ अल्लाहुम्मा। मैं दावत देता हूँ दसर भाई को कि वो तशरीफ लाएं और जिक्र आले मोहम्मद करें। अपनी बालों को मुअत्तर करें दुरूद के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह हज़रत अली जैसा फरमाते हैं कि अमल के कबूल होने को खुद करने से ज्यादा तवज्जो दो। माशाल्लाह जो अमल कर लिया है उसको कर लेने को काफी ना समझे, उसको बचाना कैसे है, उसको महफूज कैसे करना है, उसको ज्यादा तवज्जो देंगे तो बच सकेंगे। जनाब इरशाद साहब अपने सहाबा कराम के दरमियान बैठे थे, जनाब इरशाद साहब ने खुद ही सवाल किया कि बताओ कि क़यामत के दिन रोजे बाशर मुफलिस कौन बंदा होगा, गरीब कौन होगा। लोगों ने अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जवाब दिया कि वही लोग होंगे जिनके पास माल तो नहीं, बागात नहीं, माली दुनिया नहीं। जनाब इरशाद साहब ने फरमाया नहीं, रोजे बाशर मुफलिस तरीन बंदा वो होगा जिसके पास नमाज होगी, रोजा होगा, हज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो मुफलिस कैसे होगा उसको ये नहीं था पता कि उसने वो अमाल को बचाना कैसे है। माशाल्लाह यानी नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, हज करता रहा, लेकिन इस दूसरी तरफ दूसरों पर जुल्म करता रहा, दूसरों का दिल दुखाता रहा, गिफ्ते करता रहा, नाहक कत्ल करता रहा, ये सारे अमल उसको जो अच्छे अमाल किए थे उसको उसने उस सूरत में जाया कर दिया। माशाल्लाह मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे हालात बदल डाल मदीने वाले, मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले। माशाल्लाह अपने दुख दर्द सुनाऊं मैं किसे तेरे सिवा, अपने दुख दर्द सुनाऊं मैं किसे तेरे सिवा, बिन तेरे कौन सुने हाल मदीने वाले, मेरे लजपाल मदीने।
मदीने वाले माशाल्लाह और आले इत्हार के मैं गीत हमेशा गाऊं आले इत्हार के मैं गीत हमेशा गाऊं खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले खुश रहे मुझसे तेरी आल मदीने वाले मेरे आका मेरे लजपाल मदीने वाले और अब महशर में कहीं खुल न पाए आका अब महशर में कहीं खुल न पाए आका रखना दामन में हर हाल मदीने वाले नारे हैदरी माशाल्लाह न मैं सूफी न चिश्ती हूँ न सिलसिला कादरी मेरा न मैं सूफी न चिश्ती हूँ न सिलसिला कादरी मेरा न मैं सूफी न चिश्ती हूँ न सिलसिला कादरी मेरा शिया हूँ अली का और मजहब जाफरी मेरा शिया हूँ अली का और मजहब जाफरी मेरा मोहम्मद यार उसकी समझता हूँ अकीदा बस यही है बातनी ज़ाहिरी मेरा नमा तमाचे सकीना को ऐसी तमगर नमार तमाचे सकीना को ऐसी तमगर एहसास से यतीमी ही बड़ी सख्त सजा है।